भाई 11 तारीख को ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था हमारे यहाँ मेवाड़ कला के तारबाड़ी स्टेडियम पर, और क्या नाम इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे परवेज सुल्तान जी रामपुर से आए थे, और ग्राम प्रधान पति शाहजाद अंसारी जी ने इसका समापन शुरू किया था ये टूर्नामेंट का। और क्या नाम इसका आज 28 फरवरी को इसका फाइनल मुकाबला खेला गया। बंगेडी की और बेलडा की टीम फाइनल में पहुंची, काफ़ी अच्छा मैच हुआ। जीतने वाले कौन है? जीतने टीम इसमें बंगेड़ी ने मैच जीता है। आपसे पहले बंगेड़ी जीती है? नहीं, पहली बार बंगेड़ी से ग्राउंड पर टूर्नामेंट पहली बार फाइनल में पहुंची दोनों टीमें। बेलडा भी दोनों टीमों के पास काफी अच्छा मौका था। पुरानी टीमें सब रह गए, पुराने महारथी, पुराने महारथी सब रह गए यहाँ पर। नागल, मेवड़, बाजोड़ी काफी टीमें थी, इसमें 16 टीमें थी, लेकिन सब बाहर हो गई थी। रामपुर भी थी टूर्नामेंट में, और आखिरकार ये फाइनल मुकाबला बंगेड़ी ने अपने नाम किया चैंपियन बने। अभी ये चैंपियन और रनर अप की ट्रॉफी कौन लेंगे? ये जो रखी है आपके चीफ गेस्ट कौन है? जो हमारे चीफ गेस्ट जुबेर काजमी जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, वो अपने हाथों से वितरण करेंगे इन ट्रॉफी को। रनर को दे दो। जी हाँ, जुबेर काजमी जी। फाइनल में आने वाली बेलडा की टीम जो रनर अप रही है, और हम बात करेंगे इनके कैप्टन से। कैसा लग रहा है आपको सर? मुझे आज आप फाइनल में पहुंचे, सुना है पहली बार बेलडा की टीम फाइनल में आई इस मैदान पे, लेकिन आपने मेहनत भी की और रनर अप पे भी आए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ फाइनल खेलने के लिए हमारे प्लेयरों ने बहुत मेहनत की है, सबका बहुत सहयोग रहा। हमारे मोनू भाई और ये हमारे जितने भी प्लेयर हैं सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। आशीष भाई सबका, सीनियर प्लेयर का बहुत सहयोग रहा, काफ़ी मेहनत की, थोड़े से रन कम बने थे, वरना इंशाल्लाह फाइनल भी हमारा ही होता, लेकिन हम फिर भी खुश है। इस बार नहीं तो अगली बार हम फाइनल जरूर उठाएंगे और मेहनत करते रहेंगे। बिल्कुल, दोनों बार खेलती हैं तो जीतता कोई जीतता एक ही है। पर बंगेड़ी ने भी बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छी टीम है बंगेड़ी, वो भी बहुत अच्छी टीम थी, बहुत अच्छा खेला, इसलिए आज वो फाइनल जीत के जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार फाइनल हमारा होगा, मेहनत करेंगे और लगे रहेंगे, जब तक फाइनल नहीं आएगा कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, नमस्कार सिटी के माध्यम से तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो यहाँ होने वाले टूर्नामेंट की विनर टीम बंगेड़ी की विनर है आज के इस क्रिकेट टूर्नामेंट के, हर्षोल्लास में डूबे हुए हैं। अभी हम इनके कप्तान से बात करेंगे। कप्तान साहब, नाम क्या आपका? फिरोज। फिरोज जी, टूर्नामेंट जीत गए आप, और ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट ग्राउंड पे सुना है पहला टूर्नामेंट बंगेड़ी की टीम जीती है, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारी टीम यहाँ पर विनर बनी है, आज हमारी टीम बहुत अच्छी यहाँ पर विनर बनी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से टूर्नामेंट जीत कर जाएंगे, काफी सालों से हम यहाँ एंट्री करके करते जा रहे थे, लेकिन आज हम 18 साल बाद यहाँ पे हमने कप उठाया है। आज 18 साल के बाद पहली बार हमने कप उठाया है यहाँ पर, और हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, और हमारी टीम बहुत अच्छा खेली आज यहाँ पर। सबसे सबको यहाँ पर दिल से शुक्रिया। ये हमारे भाई है, ये देंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगा। पहले तो जितने भी भाई यहाँ हैं आप लोगों का सबका शुक्रिया, ठीक है। और ये हमारे जो फिरोज भाई हैं, कप्तान हैं हमारी टीम के, और इन्होंने लगभग कोई 10-12 साल से मेहनत कर रहे थे अपना एक ट्रॉफी के लिए। आज 18 साल बाद हमारे गांव में दूसरी ट्रॉफी जा रही है। एक अमजद भाई होते थे जिन्होंने 2006 में पहला वर्ल्ड कप उठाया था वहाँ से, आज ये हमारे लिए वर्ल्ड कप ही है हमारा, नहीं कप ही है हमारा, वर्ल्ड कप ही है हमारा, और हम जीते हैं आज 18 साल बाद। हमारी जो अपने क्या कहते हैं, जो हमने मेहनत की थी आज वो रंग लाई।